दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है वो मनहूस लड़की। वो 28 साल की एक बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडोल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ भी रहती वो हंसते मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाते रहती। उसने एक दिन लड़की का एक ही शौक था, खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पीसती, खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगा कर पढ़ती, टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम बड़े मनोयोग से देखती और सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती, आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आँच पे पूड़ियाँ तलती, सब्जी चटनी खीर हो या मटर पनीर सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से उससे कोई प्यार न करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए उन सब ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर उनका नाक मुंह सिकोड़ कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम को जब वह लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे, बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले में यह मनहूस लड़की मिली। पिता से प्रायः यह सब सुनती ही रहती थी, उससे उसे कोई असर ना होता था। वह बहुत खुश खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पहले उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए लेकिन किसी ने तुझे पसंद ना किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा ना थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, क्या मैं सचमुच मनहूस हूँ ना, क्या मैं मर जाऊँ। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से दरवाज़ा जैसे ही खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जी बाहर निकाले हुए उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1,00,000 का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना, आज तुमने मरने को बोला ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था, पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर। मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा, मुझे बुरा ना लगा, पर तुम्हारे मुँह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1,00,000 रुपए का चेक मिला और साथ में 5-स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी मिली। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सबने मुझे कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।